नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कंप्यूटर टेक चैनल पर। जितने भी छात्र छात्राएं 8वीं बोर्ड की परीक्षा दिए थे और 9वीं बोर्ड की परीक्षा, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानकारी को पूरा प्राप्त कीजिएगा, जो जिसे जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है। और जेक बोर्ड जो बोर्ड की एग्जाम जो 24 जनवरी की हुआ था 2020 में, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये खास वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। और आपकी परीक्षा कितने अंक में पास किया जाएगा सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दे। वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य होता है, वीडियो का लाइक पाना। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, जेक बोर्ड 8वीं क्लास का जो परीक्षा हुआ था उसका देखिए 24 जनवरी को लिया गया था, जो कि प्रथम पाली में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया था। और इसका एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया गया था 31 दिसंबर तक। और इसे देखिए आप कितने अंक में आपको पास किया जाएगा सारा जानकारी देने वाले। तो देखिए, कुल आपका परीक्षा देखिए 50 अंक का लिया गया था, जिसमें से आपको 40 अंक का जेक बोर्ड लिया था, और 10 अंक आपको स्कूल तरफ से दिया गया था, जिसमें से आपको 40 में से 12 प्लस लाना होगा, 12 प्लस यानी कि 12 अंक 40 में से 12 लाना होगा रिटेन एग्जाम से। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, एक एक जानकारी दिया हुआ है। और देखिए, जो स्कूल तरफ से विद्यालय स्तर से 10 अंक का दिया गया है उसे मिलाकर 20 प्लस लाना होगा, तभी आप अगले क्लास यानी कि कक्षा 9 में जा सकते हैं। आपको कक्षा 9वीं में प्रमोट किया जाएगा, तभी आप कक्षा 9वीं में बैठ सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ जेक बोर्ड संबंधित जानकारियाँ निकल कर आई है। तो देखिए, जेक द्वारा आयोजित कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा संबंधित मुख्य जानकारियाँ। जेक द्वारा कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा दिनांक 24 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। सभी परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। तो आप लोग परीक्षा में बैठे होंगे तो देखिए, आप लोगों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था, नहीं दिया गया था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका रिजल्ट कितना परसेंटेज आप लाना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर वीडियो के नीचे बताइएगा। और आप कौन से जिले से देख रहे हैं वीडियो को जरूर लिखिएगा अपना नाम और आप अपने जिला का नाम। और देखिए, यहाँ जेक द्वारा कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से ली गई थी। कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में 100 अंक का अतिरिक्त मूल्यांकन किया गया था। परिषद द्वारा राज्य भर में 1600 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार जेक 8वीं बोर्ड की परीक्षा 5.15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जेक द्वारा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट देखिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, देखिए जेक बोर्ड जो 8वीं कक्षा का परीक्षा लिया गया था उसका देखिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। आप अपने आधिकारिक वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, आगे की जानकारी हम बता रहे हैं, कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम की घोषणा संबंधित मुख्य जानकारी। देखिए, जेक 8 बोर्ड रिजल्ट 2020 देखिए मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। जेक द्वारा रिजल्ट सभी विषयों पर ग्रेड के माध्यम से आपको मार्किंग किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 5 ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें 33% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को डी ग्रेड दिया जाएगा। तो देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, अगर 33% से कम लाएंगे तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा। और अगर कोई परीक्षार्थी किसी भी विषय में फेल करते हैं तो कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं देना होगा। देखिए, कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं लिया जाएगा आपका। और जेक बोर्ड 9th बोर्ड की कुल परीक्षार्थी देखिए 5.15 लाख परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। परीक्षा परिणाम से संबंधित ग्रेड संबंधित जानकारी देखिए विवरण नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो इसको जरूर देखिएगा। जेक बोर्ड का देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे आप जाकर रैंकिंग का जानकारी ले सकते हैं, यहाँ ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, अगर 80% से एवव लाते हैं तो आपको ए
प्लस ग्रेड दिया जाएगा और एक्सीलेंट दिया जाएगा। देखिए अगर 60% से 80% के बीच लाते हैं तो आपको ए दिया जाएगा और वेरी गुड दिया जाएगा। देखिए तीसरा में दिया हुआ है अगर 45% से 60% के बीच लाते हैं तो बी ग्रेड दिया जाएगा और गुड दिया जाएगा। और देखिए चौथा नंबर में देखिए 33% से 45% के बीच लाएंगे तो एवरेज दिया जाएगा और सी ग्रेड दिया जाएगा। और पांचवा में देखिए अगर 33% से कम और 33% से ज़्यादा लाते हैं तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा और मार्जिनल दिया जाएगा जो कि बहुत ही ख़राब होता है। तो आप से उम्मीद है कि आप ज़रूर एक्सीलेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, वेरी गुड करेंगे, इसी से हमें उम्मीद है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ रिजल्ट की जानकारी को लेकर। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।